हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ लौकी और सोयाबीन की सब्जी। तो आ जाइए शुरू करते हैं। कुकर देखिए गर्म हो गया है और मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, एक चम्मच मैंने तेल डाला है। तो फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, साथ में डाल दूंगी प्याज, बहुत बड़े साइज का प्याज है तो मैंने आधा प्याज काटा है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, करी पत्ता काट के डाली मैंने, एक चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा एक चुटकी हींग, ये 50 ग्राम होगा ये सोयाबीन। मैंने इसको भिगा कर तो इसके बाद ऐसे टुकड़े बना लिए छोटे छोटे, इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि फ्राई हो जाएगा साथ में, बहुत थोड़ा ही लिया है मैंने इसको, तेल में डाल दिया इसलिए पहले ही, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें पक के फ्राई हो जाएगा। देखिए प्याज भी लाल हो गई और साथ ही साथ ये सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी, एक बड़े साइज का लौकी था, मैंने इसको देखिए धोकर काट कर अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं दो बड़े साइज का टमाटर है, मैंने इसको भी काट लिया, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। सिर्फ दो हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, ऐसी अखी मिर्च डाल रही हूँ, सबको मिक्स कर लेना है। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं चख लूंगी इसको। अब इसको मिक्स करके अब इसका ढक्कन बंद कर दूंगी मैं और इस एक से दो विसिल में ये पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको ढक्कन को बंद कर रही हूँ, दो विसिल में ये पक जाएगा। अब पानी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर और लौकी दोनों में से ही पानी निकलेगा, पक जाएगा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन देखिए इसमें कितना पानी है, देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है, स्लो है बिल्कुल, देखिए पानी इसमें है। अभी मैं इसको भूनूंगी। अब भाजी पूरी गल चुकी है अच्छी तरह से, लौकी टमाटर पूरा मिक्स हो गया है, ये भाजी भून रही है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये इतना सा आधा चम्मच मैगी मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी काट कर डाल रही हूँ और मैंने मैगी मसाला डाला है आधा चम्मच, इसको इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको रस्से वाली भाजी रखना है तो बस ये तैयार हो गई है। अगर इसमें इसको थोड़ी सी आपको ड्राई रखना है तो थोड़ा सा इसका पानी को आप सुखा सकते हैं, जैसे ये भाजी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है और मैंने इसमें मिर्च बहुत कम डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी गरम गरम सर्व करती हूँ। देखिए हमारी लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है और इस पर ये मैंने जो सोयाबीन डाला है बिल्कुल कीमा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है वेज कीमा, और मैंने रस्सेदार भाजी बनाया, ये देखिए बड़ी मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी खाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।